Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn the meaning of fragile. It was a request by Aftab Ahmed, and Aftab, here's your lesson. Fragile means weak, easily broken or damaged, delicate. कोई चीज जो बड़ी कमजोर हो, जो आसानी से तोड़ी जा सकती हो या उसको डैमेज किया जा सकता हो या वो बहुत डेलीकेट हो, मतलब कि नर्म और नाजुक हो, ठीक है? तो ऐसी चीज के लिए भी आप ये जो वर्ड है फ्रेजाइल, इसको यूज कर सकते हैं. देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते, जैसे घर के अंदर जो बड़े डेकोरेशन पीसेज होते हैं, उनमें से अक्सर डेकोरेशन पीसेज बड़े डेलीकेट किस्म के होते हैं, ठीक है? अगर आप उनको जरा सा भी मिस हैंडल करें तो वो ब्रेक हो सकते हैं या वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसलिए अक्सर उनके बारे में अगर आप उनको पकड़े हो तो मदर्स कहती है ना कि बी केयरफुल विद दैट पीस, इट्स फ्रजाइल, कि ये जो पीस है ये बड़ा, इसके साथ ध्यान से पकड़ो, ये बहुत फ्रजाइल है. या अक्सर आप कभी घर में कोई ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं किसी ऐसी चीज की जो कि बड़ी डेलीकेट किस्म की हो, तो उस बॉक्स के ऊपर जो है वो अक्सर लिखा होता है कि हैंडल केयरफुली, इट्स फ्रजाइल, कि इसको बड़े ध्यान से आप हैंडल कीजिए या पकड़िए या जो भी इसको करना है, क्योंकि ये फ्रजाइल है, मतलब कि ये बहुत ही नाजुक पीस है, इसके डैमेज होने का या ब्रेक होने का खतरा है. इसी तरह से आप जो कोई सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन हो और वो सिचुएशन बड़े ही नाजुक मरहले पे पहुंच जाए, बड़े ही नाजुक पॉइंट पे पहुंच जाए, जहां पर उस सिचुएशन का मजीद बिगड़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन को भी आप जो है ना एक फ्रजाइल सिचुएशन कह सकते हैं, कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है ये बहुत ही नाजुक किस्म की सिचुएशन चल रही है, और जरा सा भी अगर किसी ने कुछ गलत बात बोल दी या कोई गलत एक्शन ले लिया तो ये सिचुएशन मजीद बिगड़ने का खतरा है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन को भी आप एक फ्रजाइल सिचुएशन कह सकते हैं. इसी तरह से आप जो है किसी की हेल्प के लिए भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. अगर किसी की हेल्थ बहुत ही कमजोर हो रही है, वो देखने में बहुत फ्रजाइल लग रहा है या उसकी हेल्थ की कंडीशन जो है वो बहुत ही कमजोर हो रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ही लुक्स फ्रजाइल, कि वो देखने में बहुत कमजोर लग रहा है या उसकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत फ्रजाइल हो गई है, मतलब कि उसकी हेल्थ की कंडीशन बहुत वीक हो गई है, बड़ी कमजोर हो गई है. इसके अलावा जो फ्रजाइल वर्ड है वो किसी की ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए भी यूज होता है. जैसे अगर कहना हो ना कि किसी खातून की ब्यूटी बड़ी ही नाजुक किस्म की, बड़ी नरम किस्म की है, तो आप कहते हैं ना कि हर फ्रजाइल ब्यूटी, इट मींस कि उसकी ब्यूटी बड़ी डेलिकेट किस्म की है, ठीक है? तो अगर किसी के लिए आपने कहना है कि शी इज वेरी डेलिकेट, तो आप कह सकते हैं शी इज वेरी फ्रजाइल, ठीक है? ऐसे फीलिंग्स के लिए भी हम फ्रजाइल का वर्ड यूज कर सकते हैं. जैसे कि अभी हेल्थ के लिए मैंने कहा ना, अगर कोई फिजिकली वीक फील कर रहा है हेल्थ की कंडीशन के लिहाज से, तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी हेल्थ बड़ी फ्रजाइल है, इसी तरह से अगर कोई इमोशनली बहुत वीक फील कर रहा हो तो आप उसकी फीलिंग के लिए भी कह सकते हैं कि बड़ा ही वो फ्रजाइल फील कर रहा है, या आई एम फीलिंग अ बिट फ्रजाइल, कि मैं इस वक्त बहुत ही फ्रजाइल फील कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बहुत ही अंदर से वीक फील कर रहा हूँ, बड़ा ही डाउन फील कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप फीलिंग के लिए हेल्थ कंडीशन, कोई भी चीज जो कि बड़ी कमजोर हो, बड़ी ही डेलिकेट किस्म की हो, तो ऐसी नरम नाजुक और वीक जो कमजोर किस्म की चीजें होती हैं, उनके लिए कोई कंडीशन भी हो सकती है, कोई फीलिंग भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए जो आप ये फ्रजाइल वर्ड है इसको यूज कर सकते हैं. आई होप कि आपको फ्रजाइल का मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब फर्स्ट एग्जांपल इज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन इज क्वाइट फ्रजाइल, कि कंपनी की इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, जो भी उसकी माली जो हालात चल रहे हैं उसके, वो बहुत ही फ्रजाइल है, मतलब कि वो बहुत ही इस वक्त कमजोर है, बड़े ही नाजुक पॉइंट पर है, ठीक है? अ सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर रिलेशनशिप हैज कम टू अ फ्रजाइल कंडीशन, कि उन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही एक फ्रजाइल कंडीशन पे आ गया है, बड़े ही मतलब कि नाजुक हालात पे उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आ गया है, मतलब कि अगर जरा सा भी उन्होंने कुछ, किसी ने कुछ गलत बात की, तो वो इतनी नाजुक कंडीशन पे आ गया है कि किसी भी वक्त उनका जो रिलेशनशिप है वो टूट सकता है. अ थर्ड एग्जाम्पल इज हर हेल्थ लुक्स फ्रजाइल टूडे, कि आज उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो सेहत है, वो बहुत ही फ्रजाइल लग रही है, मतलब कि बहुत ही कमजोर लग रही है. Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly share my video with your friends, subscribe to my channel, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.